सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ में अनोखे अंदाज में अपना नामांकन किया। रिक्शे पर सवार होकर निरहुआ गाना गाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान भारी जनसैलाब देखने को मिला। आजमगढ़ सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने नामांकन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, साइकिल पंचर हो चुकी है, रिक्शा कमल के फूल को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं अखिलेश भैया से कहता हूं कि अभी भी समय है, भाग जाइए, क्योंकि वह गलत फहमी में है। आप प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हैं, फिर भी आजमगढ़ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आजमगढ़ की जनता यह समझती है कि जब आपको प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है तो आप यहाँ चुनाव लड़कर आजमगढ़ को क्या देंगे। आजमगढ़ की जनता को उनके साथ खड़े रहने दीजिए जो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कि साइकिल जो है वो पंचर हो चुकी है और रिक्शा जो है वो कमल के फूल को लेकर के और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने कहीं कहा है क्या कि अखिलेश यादव को अपना नामांकन वापस लेना? मुझे तो लगता है, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं अखिलेश भैया को अभी भी कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, भैया भाग जाइए। वजह ये है कि वो बहुत गलती में है, उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, फिर भी आजमगढ़ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो आजमगढ़ की जनता ये समझती है कि जब आपको प्रधानमंत्री बनना नहीं है, प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, तो आप यहाँ चुनाव लड़ के आजमगढ़ को क्या देंगे? आजमगढ़ की जनता को क्या करना चाहते हैं आप? आजमगढ़ की जनता को उनके साथ खड़ा होने दीजिए जो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरा देश उनको बना रहा है, उनके साथ खड़ा होगा आजमगढ़। कह दिया आप लोगों को और आप इस बात को मान लीजिए कि लोग यहाँ ये समीकरण लेके आते हैं कि इतने यादव हैं, इतने दलित हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने ठाकुर हैं, पर मैं ऐसा कैंडिडेट हूँ जिसका 100% आजमगढ़ है और आजमगढ़ के हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में मैं राज करता हूँ, उनके दिलों पे राज करता हूँ। तो मेरे लिए ये 100% आजमगढ़ मेरा है, उसमें आप लोगों को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।